नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। उस खास मेहमान के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आइंस्टाइन और न्यूटन के दिमाग के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जब से कंप्यूटर आया है, क्या आपने सुना है कि किसी का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है? सैकड़ों कैलकुलेशन सेकेंड्स में कर सकता है, शायद नहीं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक शख्स से जिसके दिमाग के सामने कंप्यूटर और कैलकुलेटर भी फेल हैं। ये शख्सियत हैं नीलकंठ भानु। मिलिए इस शख्स से, ये किसी जादूगर से कम नहीं, तभी तो हमने इसे नाम दिया है मैथ मैजिशियन। वैज्ञानिक का नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। 20 साल के नीलकंठ ने 10 ऐसे दोस्त बना रखे हैं जिनके दम पर ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इनके 10 दोस्त हैं, 0 से लेकर 9 तक सारे अंक सही समझे। अब नीलकंठ भानु का इरादा देश के 10 करोड़ बच्चों के मन में मैथ फोबिया यानी गणित का डर दूर करना है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। लेकिन आज साल 2021 के सबसे बड़े शो में न्यूज नेशन के स्टूडियो में होगी नीलकंठ भानु की लाइव परीक्षा। उनके सामने हम रखेंगे 1 से 1 मुश्किल सवाल। उनकी परीक्षा लेने के लिए हमारे साथ दिग्गज सेलिब्रिटी रहेंगे। एक या तो उसमें जोड़ते हैं या तो एक घटा देते हैं। इतना ही नहीं, खुद गूगल भी आज भानु का लाइव इम्तिहान लेने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और देखते हैं क्या वाकई एक दिमाग आज कंप्यूटर को हरा पाता है या नहीं। तो हमारे साथ हैं हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले नीलकंठ भानु प्रकाश, जिस मैथ्स को लेकर लोगों के पसीने छूटते हैं उसके कैलकुलेशन ये सेकंड से भी कम वक्त में हल कर लेते हैं। इनके नाम मैथ्स के कई रिकॉर्ड बने हुए हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे यकीन करें, तो इन्हीं के साथ शुरू कर देते हैं मैथ्स का ये मैजिक। और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के सेलिब्रिटी भी। चलिए, तो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हम लाते हैं, और सवाल क्या है वो जरा हम आपको दिखा दें। देखिए, ये दरअसल में नंबर से जिनको आप जान लीजिए, जो सवाल हम भानु से पूछने जा रहे हैं, 55 + 79 + 89 + 54 + 39 + 88 + 23 + 49 + 19 + 67। क्या भानु? 562। Yes. मैं अपना सवाल पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन उससे पहले भानु कह रहे हैं कि इसका जवाब है 562। लेकिन क्या 562 ही सही जवाब है? सीधा रुक करते हैं, हमारी सहयोगी नैना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुपर कैलकुलेटर के साथ। नैना बताइए। बिल्कुल अनुराग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भानु ने तो पूरे किए, जो पूरे डिजिट्स हैं पूरे हुए भी नहीं, और उन्होंने वैसे ही जवाब दे दिया। जरा मिस्टर कैलकुलेटर से पूछते हैं कि जो आपने 10 डिजिट्स के जो क्वेश्चन थे, क्या उसका आंसर 562 ही है, 562 ही है? एक बार मैं जरा टाइप करके देखती हूँ कैलकुलेटर से, जरा पता करते हैं जो आपने डिजिट्स बताई हैं, 10 डिजिट्स हैं ये, 10 अंक की, और तमाम जो है सवाल वो आखिर कैसे इतने आसानी से सॉल्व कर लिया? मुझे तो टाइप करने में भी इतना टाइम है, लेकिन भानु ने उसको ओवर होने से पहले ही उसका जवाब दे दिया। तो सही जवाब क्या है ये भी हम जान लेते हैं। 23 + 49, और अब हम आंसर के बिल्कुल नजदीक हैं। तो जरा पूछ लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या इसका आंसर सही है? और कैलकुलेटर ने भी यही जवाब दिया है, यानी भानु ने जो जवाब दिया अनुराग, वही जवाब कैलकुलेटर का भी है। और भानु कैलकुलेटर से कितना तेज है ये हम देख सकते हैं। बिल्कुल है ना, तो जो भानु ने जवाब दिया था वही कैलकुलेटर भी जवाब दे रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि आपके जहन में या मेरे जहन में ये सवाल हो कि देखिए, जो हमने नंबर्स भानु के सामने रखे थे वो थोड़े हल्के थे, बहुत आसान था, 3 डिजिट में ही तो बस केवल जो नतीजा है वो सामने आना था। लेकिन इन सब के बीच थोड़ा सवाल को हम कठिन बना देते हैं। अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं भानु से, और भानु जो दूसरा सवाल है, देखिए वो आपके स्क्रीन पर पीछे आप देख सकते हैं, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अब आपके सामने आने जा रहे हैं, और जो नंबर्स हैं वो अब 2 डिजिट के नहीं है, वो नंबर अब छोटे नहीं है, वो अब बढ़ चुके हैं। 109, 229, 347, 478, 560, 621, 5065। अरे आप मुझे सवाल तो पूरा करने दीजिए। 117, 789, 836 और 979। तो ये पूरा था, आपने जवाब शायद पहले दे दिया। 5065. तो भानु कह रहे हैं जोड़कर इसको कि ये है 5065।
नैना का एक बार फिर रुख करते हैं। नैना, क्या यही सही जवाब है? 5065। बिल्कुल अनुराग, मैं कैलकुलेटर से, मैथ मैजिशियन तो हमारे साथ में है, लेकिन कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। अब आपने इस बार जो है वो अंक बढ़ाकर 3 डिजिट के 10 अंक आपने कर दिए हैं, यानी कि इसका कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगना चाहिए, लेकिन इसे भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया है भानु ने। कैलकुलेटर पे मुझे लगता है टाइप करना भी उतना ज़्यादा है टफ, लेकिन बहुत ही आसानी से भानु जवाब दे देते हैं। हम भी आंसर के बहुत नज़दीक है, ज़रा जान लेते हैं कि आखिर क्या है इसका सही जवाब। 621 + 117, मुझे लग रहा है हमारे दर्शक भी इसके साथ में कैलकुलेट करते जा रहे होंगे कि आखिर ये क्या खूबी है। 836 और 979, तो अब जरा आंसर पूछ लेते हैं। क्या इसका आंसर 5065 है? और इसका भी आंसर बिल्कुल सही है अनुराग, 5065। जो आंसर भानु ने दिया वो जवाब पूरी तरह से सही है। क्या बात है भानु, लेकिन ये आप कैसे कर लेते हैं? थोड़ा दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे, कब से ये शुरू हुआ, कब आपको लगा कि मैं ये एक अद्भुत कारनामा कर दिखा सकता हूँ अपनी काबिलियत के आधार पर? तो मैं हैदराबाद से हूँ। मैं जब 5 साल का था, मेरा एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम पे ना, जब मैं घर में रहा था और ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, तो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा था, तो उस टाइम पे ना मैथ पजल्स या गणित के जो पजल्स होते हैं ना, इसको इंट्रोड्यूस मेरे माँ बाप ने किए हैं, और तब से कुछ पीछे देखने का ही नहीं है। तो कैलकुलेशन से ये थोड़ी प्यार बन गई है, और तब से कैलकुलेटर से तेजी से कैलकुलेट करना एक मनुष्य को पॉसिबल है, उसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं। दो सवालों का जवाब तो भानु ने सही दे दिया है, लेकिन हम थोड़ा भानु की मुश्किलों को और बढ़ाते हैं, और अब हम रुक करते हैं स्क्वायर रूट का। देखते हैं कि इस परीक्षा में भानु कितना खरा उतर पाते हैं, पास हो पाते हैं या फेल हो पाते हैं। पहला सवाल भानु जो आपके पास है स्क्वायर रूट का, वो डिजिट हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये डिजिट है और काफी लंबी डिजिट है ये। मैं अगर हिंदी में दर्शकों को बताऊं तो ये 278,784। जवाब क्या है भानु इसका? 528। बिल्कुल 528 जवाब दे रहे हैं भानु, लेकिन क्या 528 ही सही जवाब है? ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी नैना यादव का। नैना, क्या 528 ही सही जवाब? जरा पूछ लेते हैं मिस्टर कैलकुलेटर से अनुराग, क्योंकि इसे तो आपने थोड़ा सा टफ बना दिया है, और कहा जाए अगर स्क्वायर रूट तो ये, इसको अगर हम टाइप करते हैं 2,78,784 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है ये कैलकुलेटर बता रहे हैं, और 528 बिल्कुल सही जवाब है जो भानु ने दिया अनुराग। तो देखिए जो तीसरा सवाल था जो कहीं ज्यादा कठिन था, उसका जवाब भी भानु ने सही दिया है, लेकिन थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। नैना, आपसे मैं एक डिजिट पूछूंगा, आप वो डिजिट बताइएगा, एक डिजिट मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, फिर तीसरी डिजिट आप बताइएगा, और चौथी डिजिट मैं बताऊंगा, और वो हम भानु से पूछेंगे कि उसको जोड़कर कुल कितना बैठता है। तो भानु, मैं अपना मोबाइल भी निकाल लेता हूं ताकि कैलकुलेटर पर हम देख सकें रियल टाइम में कि आप सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। 3 डिजिट के हम आपके सामने नंबर रखेंगे, पहली 3 डिजिट नैना आपको बताएंगी। जी नैना, बताइए। बिल्कुल, मैं डिजिट बताना चाहूंगी, और जैसा कि भानु हमेशा कहते हैं कि जो कैलकुलेशन है मैथ्स उनके लिए गेम है, दिमागी गेम है, तो इस दिमागी गेम को कितना एंजॉय करते हैं। मेरी डिजिट है 864। मेरी डिजिट है 999। ट्रिपल नाइन। और नैना एक डिजिट और आप बताइए। 7। जी मेरी डिजिट है 56। Okay. और ये कितना बैठता है भानु? 1926। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि अगर वो इसको जूम इन कर सकते हो, अगर मुमकिन हो, तो जो जवाब है दरअसल में वो 1926 ही बैठ रहा है, और ये हमने अचानक से नंबर रखे हैं भानु के सामने, और उसका भी सही जवाब भानु यहाँ पर दे रहे हैं। आपने बताया कि मेरा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद मैं इस पूरी जो टैलेंट है अपने उसको निखारने की कोशिश करता हूँ, उस वक्त आपका परिवार, सोसाइटी, दोस्त, रिलेटिव्स, उनका किस तरीके का नज़रिया रहा? तो ऐसे कि मेंटल कैलकुलेशन जो है ना, ये एक चेस की तरह या चदरंग की तरह एक स्पोर्ट है, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है भारत देश में। तो जब मैं बोला था कि अच्छा मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे ये करना है, बहुत लोग ना हंस के बोले थे कि यार शकुंतला देवी जी बनोगे? तो क्योंकि ना बच्चा था जब, तो मेरा तो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा शकुंतला देवी जी या स्कॉट फ्लांसबर्ग, जो बहुत बहुत इंटरनेशनल लोग थे, तो उनका उस टाइम पे था कि ये क्या हो सकता है, क्या ये तो कुछ और ही है। बट आई थिंक आज ये प्रूव हुआ है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करके, बहुत अच्छी चीज़ है जी। दैट या सो
फॉर देम इट वाज अ सरप्राइज कि सरप्राइज है कि अच्छा इतना भी हो सकता है क्या कैलकुलेशन माइंड में. लेकिन भानु देखिए इस शो के खत्म होने से पहले थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मैं भी थोड़ा अपने मैथ्स को मजबूत करना चाहूं तो क्या कुछ आप टिप्स दे सकते हैं, क्या कुछ आप सलाह दे सकते हैं, ये हम अपने दर्शकों के लिए भी आपसे जानेंगे. लेकिन उससे पहले एक और स्क्वायर रूट और आपकी मुश्किलें और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और वो जो नंबर है स्क्वायर रूट का वो हम स्क्रीन पर इस वक्त लाते हैं ताकि उसका जो जवाब है वो हम भानु से जान सकें. और जो डिजिट है देखिए वो अब आपके सामने आने जा रही है. जो डिजिट है ये कहीं ज्यादा है. पहले तो मुझे इसको गिनना पड़ेगा कि ये दरअसल में पूरी डिजिट है कितनी. 6,985 लाख. नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आप इसका जवाब बता दीजिए. 6,969. आपने बताया 6,969. नैना का रुख करते हैं, उनके साथ में सुपर कैलकुलेटर है. नैना देखिए मैं तो इस डिजिट को भी नहीं पढ़ पाया हूँ और उससे पहले भानु इसका जवाब दे रहे हैं. जरा आप कैलकुलेटर से एक बार चेक तो कीजिए भानु सही बोल रहे हैं या गलत. बिल्कुल जरा जान लेते हैं अनुराग. और ये देखिए कि हम लोग इतना एक्टिव जरूर रहते हैं लेकिन जो नंबर्स हैं हम उन्हें वापस मैं भी ऐसी काउंट कर रही थी 1, 10, 100 और इतनी देर में तो कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है भानु का. तो ये 4,85,66,961. तो आखिर नंबर बिल्कुल सही है. अब देख लेते स्क्वायर रूट इसका कितना है. 6969 बिल्कुल 6,969 जो आंसर भानु ने दिया अनुराग ये आंसर भी बिल्कुल सही है. भानु आप चौंका रहे हैं इस वक्त हमारे तमाम दर्शकों को और उनके जहन में हो सकता है कि बहुत सारे जवाब सवाल आ रहे हो कि कहीं कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा. कैसे कर लेते हैं आप इसे. तो बेसिकली ना जैसे सिक्स पैक बनानी होती है ये जो होती है ना फिजिकल एफर्ट होती है जो हम क्या बोलते हैं ना डाइट से होती है, खेल से होती है, एक्सरसाइज से होती है. ये जो मेंटल पावर है ना वो भी बहुत सिमिलर है. कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं इनको. इनको डेवलप करना एक एक दरिया ऐसे कर सकते हैं कि कैलकुलेटर ना कुछ ऐसे ही रह जाएगी और ह्यूमन ब्रेन इतना भी कर सके. तो ये ऐसे कुछ नहीं है कि मैं पैदाइश ऐसा आ गया कि मुझे कैलकुलेशंस आते हैं, पर ये बहुत बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है जो आई थिंक बहुत लोगों को सीखने का है. और जब सीखेंगे ना इतना अच्छा लगता है कि गणित ना इतना इजी था ऑल द टाइम. बिल्कुल देखिए मैं आपसे जैसा मैंने पहले कहा कि मैं आपसे कुछ टिप्स जरूर लूंगा ताकि मैं और अब मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा मैथ्स में होशियार हो सकें. लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ और ये जो मुश्किल है ये अब तीसरी श्रेणी की है यानी हम आपकी मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं. तैयार हैं भानु जवाब देने के लिए. बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अब हम आपसे किसी भी संख्या के घनमूल को समझने की कोशिश करेंगे यानी कि जो क्यूब रूट है उसके बारे में हम भानु से जानेंगे. और भानु जो आपका पहला सवाल है वो क्यूब रूट के लिए जो क्यूब रूट की डिजिट है वो हम आपको बता रहे हैं. देखिए इस बार मैंने पढ़ लिया ये है 8,84,736. 96. इसका आंसर क्या होगा. 96. इसका आंसर भानु दे रहे हैं 96. नैना क्या 96 ही सही जवाब है इसका. बिल्कुल कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं अनुराग. हम सवाल पूरा करते हैं लेकिन उसके पहले ही भानु जवाब दे देते हैं. जरा कैलकुलेटर से भी पूछ लेते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है आखिर उसका क्यूब रूट क्या है. सवाल मैंने जो टाइप किया और उसका जवाब है 96. ये बिल्कुल सही जवाब है. भानु प्लीज टिप जरूर देकर जाइएगा क्योंकि हम लोगों को तो नंबर्स भी याद नहीं रहते. आपको आखिर नंबर आप इतनी जल्दी देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और इसके साथ साथ आपका दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है. भानु कुछ क्या कुछ डाइट में कुछ चीजें शामिल करते हैं. ऐसे कुछ नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि ये आप खाएंगे तो आप मैं भानु जैसा बन जाऊंगा. दाल पनीर राजमा चावल और कुछ नहीं है, यही तो है खाने का. आप तेलंगाना से हैं. तेलंगाना से. तो मतलब कोई स्पेशल डाइट नहीं है. जो तेलंगाना की डाइट है वही आप खाते हैं. बिल्कुल ठीक है. कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जब मैं कैलकुलेशन कॉम्पिटिशन को जा रहा था जो अभी ना मेरा एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 जीता हूँ, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 50 स्लिम का रिकॉर्ड, जब मैं वो कर रहा था आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर अराउंड 9-10 आवर्स अ डे. एक दिन में 9-10 घंटे. 9-10 घंटे तक आपने. पर वो तब का है, आज तो कुछ करता नहीं हूँ ज्यादा कुछ. बट हाँ लेकिन देखिए हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रखा है और मकसद ये है कि आपकी हम थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकें. और वो सरप्राइज क्या है ये हम आपको बताएंगे. हमारे साथ भानु जुड़े हुए हैं. भानु की काबिलियत किस तरीके से चौंका रही है इस वक्त हमको और नैना को ये आप लगातार देख रहे हैं. एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़े खुलासे करेंगे, कुछ और कठिन सवाल पूछेंगे भानु से. और सवाल मैं नहीं बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज भी पूछेंगे. चलिए हमारे साथ इस खास पेशकश में अब एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं. हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जो सवाल भी पूछेंगे यहां पर और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी देंगे. सुनिए जरा. ये तो बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि ऐसे बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं. देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत तो आप लोगों जैसे की है जो कि इनको प्रकाश में लाए, लोगों के सामने लाए ताकि प्रेरित होकर और बच्चे लोग और युवा हमारे अच्छा कर पाए. तो अभी मैं पूछना चाहूंगा कि अगर
1729 यानी कि 1729 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? 1729 को 1729 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा? 1729 29,89,441 also thanks a lot ji for aane ke liye 29,89,441 आप कह रहे हैं कि 29 लाख से ज़्यादा ये पूरी फिगर बैठी, कैसे आपने कर लिया इतनी जल्दी? ये तो बहुत कठिन था। तो स्क्वायर करना माने 1729 को मल्टीप्लाई करने का है, तो 1729 से मल्टीप्लाई करना है तो 1729 000 7 × 1729 होगा 12103 एंड 1729 × 2 होगा 3458 1729 × 9 हुआ 15561 एंड द आंसर इज 29,89,000 थोड़ा आसान तरीके से मैं आपसे कुछ और टिप्स समझूंगा बानू यहाँ पर, लेकिन एक और सवाल है आपके लिए और वो सवाल क्या है वो आप जरा जान लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो भानु जी, आपने अच्छा जवाब दिया, मन खुश कर दिया। अब मेरा अगला सवाल है और चाहेंगे कि आप इसको भी जल्दी से बनाए ताकि दर्शक में और जोश बढ़े, उत्साह बढ़े। तो मेरा दूसरा सवाल है कि 5 to the power 5 पांच पर पावर 5 यानी 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, उसमें कितने अंक होंगे, जल्दी से बताएं। 4 डिजिट आंसर हुआ 3125 आएंगे 4 डिजिट 5129। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और भानु तो सवाल भी सुन रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। कुछ और सवाल हैं आनंद कुमार जी के और उन सवालों का जवाब भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी आनंद जी, आपका अगला सवाल क्या है? तीसरा सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि अच्छा भानु जी बताइए कि 30 अप्रैल 1970 को 30 अप्रैल कौन दिन था? 30 अप्रैल 1970 क्या था? थर्सडे था। बिल्कुल, ये भी आप पता लगा लेते हैं। हाँ, कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ ये गूगल भी कर रहे हैं और एक बार हम गूगल बाबा की मदद से भी जान रहे हैं कि जो भानु ने जवाब दिया है क्या वो सही है। 30 अप्रैल 1970 को दरअसल में दिन क्या था ये हम आपको बताते हैं। देखिए 30 अप्रैल 1970 उसका इतिहास भी है लेकिन दिन क्या था? थर्सडे। भानु आपने बताया था थर्सडे, भानु ये कैसे आप पता लगा लेते हैं? ये कैलकुलेशन जो कैलेंडर होती है या म्यूजिक होता है जही भी है ना, मैथ हर जगह है, तो इसका गणित में ऐसे पीछे जाना बस कैलकुलेट करने की चीज़ है। जो कैलकुलेशन इतना जल्दी हो जाती है तो ये आपको लगता है कि इतना जल्दी कर लिया, पर मैंने बस कैलकुलेशन की है बहुत जल्दी। भानु मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या था? फ्राइडे था। बिल्कुल, ये भी हम चेक करेंगे। 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन क्या दिन था? देखिए 15 अगस्त 1947 आपने बताया फ्राइडे, सही जवाब दिया भानु ने, आप समझ सकते हैं भानु। 26 जनवरी 1950 ये होगा थर्सडे, फिर से थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को एक बार देखा जाए, थर्सडे। भानु आप वाकई लोग परेशान हो जाएंगे, लोग चौंक जाएंगे कि ये मुमकिन कैसे हो पा रहा है। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद जी का एक और सवाल है आपके लिए भानु, सवाल सुनिए। अच्छा भानु जी ये बताइए कोई प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, कोई भी ऐसी प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या जो कि 5 से बड़ी हो, उसमें या तो आप 1 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या तो 1 घटा देते हैं, एक या तो उसमें जोड़ते हैं या तो एक घटा देते हैं, तो 6 से विभाजित हो जाती है, 6 से पूर्णता भाग लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल 7 में आप 1 घटा देते हैं तो 6 से डिविजिबल है, 13 में 1 घटा देते हैं तो 6 से डिविजिबल है, 17 जो अभाज्य संख्या 1 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो डिविजिबल बाई 6, क्या रीजन है इसके पीछे? आप भानु जी दर्शकों को बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगे और मेरा भी हौसला बढ़े। तो सर ने ना बहुत कठिन सी प्रश्न पूछ लिया है, पर अच्छा ये है कि मैं नंबर थ्योरी भी पढ़ा हूँ। तो नंबर थ्योरी में बोलते हैं कि एनी प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड 6n+1 या 6n-1 फॉर्मेट का होता है। जो बोलते हैं ना ई प्राइम नंबर माने जो भी देख रहे हैं अभी, इसका ना कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, या 5 सर ने बोला है ना, 5 को क्या डिवाइड कर सकती है? 5 कर सकती है या 1 कर सकती है, जो डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो प्राइम नंबर ये है बड़े बड़े नंबर जिनको डिवाइड करो तो किसी से नहीं होगा, बस वो नंबर से और 1 से। तो प्राइम नंबर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
तो एनी प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड 6n+1 या 6n-1 फॉर्म का है, इसका बड़ा ढंग सा प्रूफ है, सर ने पूछ लिया इधर, पर मैंने इसको करा है। भानु एक और सरप्राइज एलिमेंट है आपके लिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौटिल्य, वो शख्सियत, वो चेहरा जिनको देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा और उनकी काबिलियत का भी लोहा माना। कौटिल्य भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, हो सकता है वो आपसे कुछ सवाल भी पूछें, ये आपके लिए सरप्राइज है। जी कौटिल्य, वैसे तो भानु जैसा भी मैंने आपके बारे में सुना देखा, मेरे को पूरा विश्वास है कि जितना मैंने करके आया हूँ आप उससे ज्यादा अच्छा करेंगे। हाँ एक छोटी सी थोड़ी बहुत करके देख लेते हैं, तो जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 25 + 2 - 8 + 43 + 2 / 5 / 17 × 5 - 26 = तो कौटिल्य ने सवाल पूछा है भानु से और कौटिल्य ने पूरी कोशिश की है कि भानु की मुश्किलें बढ़ाई जा सके। भानु जवाब क्या है? ये आंसर होगा 121.13, बट कंडीशन ये है कि मैं बॉड मास रूल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बॉड मास रूल अप्लाई करें तो क्वेश्चन सीक्वेंशियली नहीं कर पा सकते हैं। तो 121.13 है अगर आंसर वो दिशा से आस्क हुई है, बट अगर नहीं है तो कुछ और ही होगा।